हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है सेट्स, तो इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं बच्चों। तो सेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, जैसे सेट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हमने स्लाइड्स की मदद से सारी चीज़ें सीखी हैं बच्चों। अब देखिए, क्वेश्चन करने का टाइम है, तो जो चीज़ हमने लर्न की है, सीखी है, उस चीज को अप्लाई करने का वक्त आ गया है, तो इसीलिए आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है इस क्वेश्चन में? राइट द सेट, ठीक है। और ये सेट आपको दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं सेट के। तो ये जो सेट दिया है, ये आपको लिखना इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब क्या हुआ कि समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण रूप, ये तो आपको पता ही है। तो बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में काफी इजी है लिखना, है ना? कैसे लिख सकते हैं इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में? तो उसके लिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज, ठीक है। तो अब जैसे इसको हम डिस्क्राइब करके लिखेंगे, है ना, वही तो होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो x सच दैट x, x सच दैट x क्या होगा? संख्या, ये जो भी आपको दिख रहा है, n बटे n प्लस 1, ठीक है। और जहां पे एन किस किस के बीच में होना चाहिए? एन होना चाहिए एक से बड़ा या बराबर, और एक से 6 से छोटा या उसके बराबर। ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे हमने क्या देखा, देखिए डिटेल में इसको पढ़ते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आपके सामने है 1/2, 1/2 है, फिर आ जाता है 2/3। पैटर्न समझिए, इसका पैटर्न पहचानने की कोशिश कीजिए बच्चों। जैसे 3/4 आ जाता है, फिर 4/5 आ जाता है, फिर 5/6 आ जाता है, फिर 6/7 आ जाता है। तो मतलब सबसे पहले यहाँ न्यूमरेटर कितना है? एक है, और डिनोमिनेटर 2 है। तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो अगला न्यूमरेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देते हैं हम, है ना। यहाँ पे ऐसे ही ये एन हो जाता है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में एक हमने ऐड कर दिया, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। 3+1 4 हो गया, ऐसे 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, है ना, ऐसे ही आ रहा है। तो हर केस में ये चीज पता लगी है कि जो न्यूमरेटर है उससे एक ज्यादा है डिनोमिनेटर। तो हमने इस चीज की मदद से ये पता लगा लिया कि भाई n बोल देते हैं न्यूमरेटर, क्योंकि जो इसका अंश है, न्यूमरेटर यानी अंश बोलते हैं बच्चों, जो अंश है वो 1 से लेके 6 तक है ना। अंश तो 1 से लेके 6 तक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और जो हर है इसका, हर है वो कैसे है, उसमें देखिए बच्चों, जो अंश है उसमें एक जोड़ दे रहे हैं हर बार। तो जो इसका हर हो गया वो n प्लस 1 हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐड कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज है बच्चों, यहां से आपको पैटर्न पकड़ना है कि किस तरह से आपका ये सेट लिखा हुआ है, और उसकी मदद से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई अगर डाउट है पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो इसको आप नोट डाउन, अब स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है, ये किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो अभी क्लियर कर लो, कोई पेंडिंग डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, जो एक तरफ है वो तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। एक रोस्टर फॉर्म है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
तो ये जो है ये है रोस्टर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म। और राइट की तरफ जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इतना समझे आप? एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे बच्चों क्या करना है आपको, यहां पे जो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें आपको मैच करना है। जैसे अभी हम कन्वर्ट कर रहे थे, तो जो रोस्टर फॉर्म है उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे चार सेट आपको दिए हैं रोस्टर फॉर्म में, है ना, और चार सेट ही दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब इन चारों के चारों सेटों को कन्वर्ट किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको बस मैच करना है, बताना है कि जो रोस्टर फॉर्म में है उसका कहाँ पे है जो बदल के सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहला वाला देखें हम, तो सेट बिल्डर फॉर्म से अगर चेक करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, सिंपल पड़ेगा आपको, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको देखते हैं। तो ए देखिए, यहाँ पे ए में क्या लिखा हुआ है आपको, ए में लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। तो पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है एक से शुरू होते हैं, एक दो तीन चार ऐसे करके, है ना। और दूसरा आपको क्या बोला गया है कि 18 का डिवाइजर है, विभाजक है। तो 18 का भाजक कौन सा नंबर होता है? देखिए 18 का भाजक एक तो फैक्टर बोल सकते हैं बच्चों, 18 के फैक्टर हैं। तो देखिए एक तो एक होता है, एक से 18 भाग हो जाता है पूरा पूरा, फिर दो होता है, फिर तीन, फिर छः, नौ और 18, ये सब 18 के भाजक हैं। तो मुझे बताइए कि सेट बिल्डर फॉर्म है इसको अगर हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये थर्ड नंबर जो दिख रहा है, 1 2 3 6 9 18, यही तो है। तो आप बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो किसके साथ मैच हुआ है, ए के, जो ए है वो थर्ड के साथ मैच हुआ है ना, जो ए है वो इस थर्ड के साथ मैच हुआ है। इसी तरह सभी को आप चेक करिए और देखिए कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। थर्ड पार्ट है वो ए के साथ मैच हुआ है। इस तरह से बाकी भी आप हल कीजिए स्टूडेंट्स, और अपने आंसर शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा अब किसके साथ मैच होता है ना। तो ये तो सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए अगर बी पार्ट देखें हम, तो बी पार्ट में बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर -9 जीरो के बराबर है। तो एक्स एक इंटीजर है इतना बोला गया है, और जो एक्स का वर्ग -9 है वो जीरो के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं 9 को दूसरी तरफ लेके जा सकता हूँ, है ना, 9 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस की जगह हो जाएगा +9, साइन चेंज हो जाता है आपको पता है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस आएगा, +3 स्क्वायर, है ना, यही चीज आएगी। क्यों प्लस माइनस बोला मैंने, क्योंकि भाई +3 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा, इसीलिए दोनों केस में 9 आ रहा है, इसीलिए हम +3 लिख सकते हैं। अब +3 मुझे दिख रहा है फोर्थ में, तो ये बी से मैच हो जाएगा। इसी तरह और भी पार्ट्स हम कर सकते हैं। देखिए अगर सी पार्ट देखा जाए तो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स +1 बराबर है 1 के होगा। तो ये एक है ना, ये एक है, तो एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये एक्स इज इक्वल टू 0। तो बताइए 0 तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो ये सेकेंड मैच होगा सी से। इसी तरह देखिए डी वाला अगर आप सॉल्व नहीं भी करते तो सीधा आपको दिख रहा है कि वर्ड प्रिंसिपल है यहाँ पे, और प्रिंसिपल को यहाँ पे लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो डी से मैच हो रहा है,
नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस तरह से ये क्वेश्चन है, काफी सिंपल से क्वेश्चन है। बस यहाँ पे देखिए, मैंने पहले बोला था आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का ही पूरा रोल है इन क्वेश्चंस में, तो वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए बच्चों। हमने काफी इस पे क्लास भी की है, हमने स्लाइड्स के माध्यम से समझा है इसको। अब बच्चों क्वेश्चन आप देखिए कितने इजी लग रहे होंगे, अच्छे से आपने इसको किया है, तो अगर कोई डाउट है यहाँ तक पूछ सकते हैं, इसको नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे पहले। तो यहाँ पे लेट ए एक सेट आपको दिया है ए, जिसको आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके 6 एलिमेंट हैं, 1 से लेके 6 तक इसके सेट के अवयव हैं। तो क्या बोला गया है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये हमने सीखा था बच्चों, है ना, अगर आपको याद हो एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपको क्या मतलब होता है इसका, ये होता है बिलोंग्स टू, है ना, यही सीखा था हमने, बिलोंग्स टू। और अगर इसको हम कट करते हैं ऐसे, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। मतलब ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि आपको सेट दिया हुआ है, मान लीजिए ए जो है 1 से 6 तक, तो इसमें आपको रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट भरना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा चीज आएगी, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। देखिए जो रिक्त स्थान है उनको फिल करना है। तो बच्चों ये चीज हम सीख चुके हैं एप्सिलॉन के बारे में, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। अब वक्त आ गया है इसको क्वेश्चन में करने का, तो इसको जल्दी से हल कीजिए क्वेश्चन को। जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर शेयर कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सा सिंबल किस में आएगा, तो देखिए ये चीज मैंने आपको बताई थी पहले भी कि भाई ये सेट जो आपको दिया है इसको ध्यान से देखिए पहले, एक इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2 3 4 5 और 6। अब इसके पार्ट्स देखिए, सब में ए का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये ए किसके लिए है, ये जो सेट दिया हुआ है इसके लिए है ए। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है आपको, क्या बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, कि 5 है ना, 5 है और बीच में ब्लैंक है और ए है। इसका मतलब यहाँ पे आपको दो चीजों में से कोई एक चीज लगाने, या तो एप्सिलॉन या फिर इसको क्रॉस करके एप्सिलॉन नोट। तो क्या चीज यहाँ पे यूज होगी, तो अगर ये जो अवयव है एलिमेंट है ये इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट का ही अवयव है, तो आप करेंगे कि 5, जैसे 5 है इस सेट में आता है, तो आप लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, है ना, क्योंकि 5 इस सेट का अवयव है, इसीलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट में 8 है, तो क्या 8 इस सेट में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह 0 जो है वो भी इस सेट में नहीं आती, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 10 इस सेट में नहीं आता। सीधा सीधा देख के आपको ये लिखना है, इजी है बच्चों, नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट जो आपको दिए हैं ये रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं स्टूडेंट्स, है ना। रोस्टर फॉर्म में बड़ी इजीली आप लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखिए आपको क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 -3
स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स और एक्स छोटा है 7 से, मतलब जो हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे वो इसी के बीच में होंगे, -3 और 7 के बीच में। अब आप मुझे ये बताइए कि -3 और 7 के बीच में क्या क्या आता है बच्चों। तो सेट का नाम हमने ए दे दिया, यहाँ पे सेट ए है, तो क्या है ये? -3 से बड़ा 2 होता है, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? 6 7 से छोटा होता है, 7 हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसके बराबर आ जाएगा। बस ये चीज है, इस पे फोकस करना है स्टूडेंट्स आपको। सेकंड पार्ट देखिए, जैसे सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या बच्चों, तो प्राकृत संख्या जो 6 से छोटी हो कौन सी होती है? पहली बात तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5, 6 लिख नहीं सकते क्योंकि 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं हमें चाहिए, है ना? इसी तरह सी जो थर्ड पार्ट है वो देखेंगे, तो थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला गया है? यहाँ थर्ड पार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 अंकों की क्या है? प्राकृत संख्या है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो उसके अंक हैं, जो उसके डिजिट्स हैं, उन दोनों का सम, 2 डिजिट का अगर कोई नेचुरल नंबर है और उन दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए बच्चों? 8 होना चाहिए। तो ऐसे कौन सी संख्या हो सकती है? अगर मैं 17 लिखूं तो 1 प्लस 7, दोनों डिजिट को ऐड करके देखेंगे आप, 1 प्लस 7 8 होता है, बस सम आना चाहिए 8। 2 प्लस 6 भी 8 होता है, 3 प्लस 5 8 होता है, और इस तरह से देखिए काफी सारी संख्याएं आपकी बन सकती हैं। 4 प्लस 4 भी 8 होता है, फिर 5 प्लस 3 8 होता है, फिर 6 प्लस 2 8 होता है, और फिर 7 प्लस 1 8 होता है, एंड 8 प्लस 0 भी 8 होता है। अब आप बोलेंगे भाई 0, जैसे देखिए हमने यहां तक जो भी संख्या लिखी, यहां तक सबको हमने रिवर्स उल्टा करके लिख दिया। जब 80 है उसको हमने रिवर्स इसलिए लिखा क्योंकि 0 8 लिखना पड़ता, ये 2 अंकों की संख्या नहीं होती, ये 1 अंकों की संख्या हो जाती, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा 8 को। तो ये सभी जो संख्याएं हैं वो 2 अंकों की संख्या जिनका सम 8 है, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसी तरह बच्चों जितने भी आपको ये दिख रहे हैं क्वेश्चन आप तो कर सकते हैं इजीली इनको। इनको नोट डाउन कीजिए, जो भी हमने 3 पार्ट ये किए हैं इनको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से। तो बच्चों बाकी जो 3 पार्ट इसके बचे हैं ये आपका होमवर्क होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, अब आपको होमवर्क में करने हैं ये अगले 3 पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो आपको समझ में आ गया है अब, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।